गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम नीलम। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स जो नीट एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन में जब कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है तो हीट इवॉल्व्ड होती है या एब्जॉर्ब्ड होती है। तो इसमें डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है डेल्टा जी को चेंज नहीं करता है। डेल्टा जी हुआ चेंज इन फ्री एनर्जी, इसमें चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है डेल्टा एच। कैटलिस्ट जो है डेल्टा एच को चेंज नहीं करता है। जो ओवरऑल एनर्जी चेंज होता है रिएक्शन का, उसको चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, स्टार्ट नहीं करता है। और इसकी स्मॉल अमाउंट कैटलिस्ट की सब्सेंट होती है टू ब्रिंग अबाउट अ लार्ज चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। अब हम फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज, सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन है रिमेंस अनचेंज्ड। तो यहाँ पे हीट जो है ना ही इवॉल्व्ड होगी ना ही एब्जॉर्ब्ड होगी, अनचेंज्ड रहेगी बिकॉज डेल्टा एच जो है चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन अ रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल हो जाती है लेकिन हाफ लाइफ पीरियड जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का। तो इसमें डिस्कस करते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। के इज रेट कॉन्स्टेंट एंड टी हाफ इज हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड जो है इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, या तो यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की डबल हो जाती है। हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीकम्पोजिशन ऑफ पी एच थ्री इज फॉस्फीन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज बिकॉज द, अगर टंगस्टन के ऊपर डिकम्पोजिशन हो रही है फॉस्फीन की और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या होगा, इसमें रीजन बताना है। अब हमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस कवरेज। सेकेंड ऑप्शन है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज वेरी लो। थर्ड ऑप्शन है रेट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस कवरेज। डी ऑप्शन है रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। तो इसमें जितनी ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगी फॉस्फीन की सरफेस के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। जितना ज़्यादा फॉस्फीन सरफेस कवर करेगी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसमें सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। यहाँ पे कहा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है स्लोप से। कौन सा ग्राफ बनेगा जिस ग्राफ में हम स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। इट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस।
एक्स एक्सिस की तरफ होगा 1/T, टी इज टेम्परेचर, एंड वाई एक्सिस में होगा नेचुरल लॉग ऑफ के। इस तरह से यहाँ पे स्लोप बनेगी। स्लोप होती है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे स्लोप बनेगी एस इज इक्वल टू नेगेटिव का साइन ई ए, ई इज एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू आर आएगा यहाँ पे इंटू आर। आर इज गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 8.313। अब यहाँ पर आर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास यहाँ से स्लोप निकलती है तो हम यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्राफ बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के बीच में। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल्टा एच रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन किलो जूल पर मोल, द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी। इसमें हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर डेल्टा एच जो है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है और हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन डेल्टा एच, डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। बी ऑप्शन जीरो, सी ऑप्शन मोर देन डेल्टा एच, एंड डी ऑप्शन इक्वल टू डेल्टा एच। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसके लिए एक ग्राफ बनेगा, इट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की तरफ एनर्जी वेरी करेगी एंड एक्स एक्सिस में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होगा। यहाँ से रिएक्टेंट है, एंड इट इज प्रोडक्ट, और यहाँ से यहाँ तक होता है एक्टिवेशन एनर्जी ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस हीट ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस हीट ऑफ द प्रोडक्ट, और डिफरेंस होगा डेल्टा एच इन दोनों के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो हीट का डिफरेंस होगा वो डेल्टा एच होगा। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर है देन डेल्टा एच, ई ए इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होती है रिएक्शन की देन बैकवर्ड रिएक्शन से। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है ग्रेटर देन होगी डेल्टा एच से। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर देन डेल्टा एच, सी ऑप्शन इज राइट। थैंक्स।